तो गाइस ये मेजरिंग हो रहा है अभी 940। ओ माय गॉड। सो गाइस क्विक मेरा देखिए, ये मैंने डाटा केबल, ये मेरा चार्जर है, यानी इसकी डाटा केबल गई। क्या हो रहा है कि अपने मैं फोन में लगा रहा हूँ बट उसके फोन की जो चार्जिंग है बहुत ही ज्यादा स्लो कर रहा है, स्लो चार्जिंग कर रहा है, जिसकी वजह से फोन हमारा हीट अप हो जा रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा फोन एक घंटे की चार्जिंग जो पहले होता था वो अब 3 से 4 घंटे या 5 घंटे लगा रहा है चार्ज होने में। तो गाइस इधर आपके फोन की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फोन में आपका कुछ भी खराबी नहीं है, इधर चार्जर में भी खराबी नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारी होती है इस डाटा केबल में। इस डाटा केबल के आगे आपको खराबी दिखाता हूँ एंड इसको मैं रिपेयर करना दिखाऊंगा, वो भी गाइस 0 रुपीज में। आपका एक पैसा खर्च नहीं होगा, केवल आपको एक मैं जुगाड़ बताऊंगा जिससे कि आपकी डाटा केबल ठीक हो जाएगी। डोंट गाइस प्लीज स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरी देखना। मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको 100% वर्किंग करेगी। ओके तो गाइस होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर देना हमारे नेक्स्ट वीडियो के मोटिवेशन के लिए। एंड प्लीज हमारे चैनल एंग्रोटेक को सब्सक्राइब कर देना। इट्स रितिक एंड वॉचिंग एंग्रोटेक। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर वीडियो चलते रहेंगे, वीडियो को देखना और अच्छे से समझ जाएंगे आप। इसमें कुछ भी ज्यादा सोल्डिंग वोल्डिंग की कुछ झंझट है नहीं। चलिए इसको मैं ठीक करता हूँ, वीडियो में देखते रहिए एंग्रोटेक। तो गाइस देखिए मैंने चार्जर को पावर दे रहा हूँ और इस वाले माइक्रो एसबी वायर को मैं प्लग इन कर रहा हूँ मोबाइल में। गाइस देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं प्लग इन कर रहा हूँ तो देखिए इधर चार्ज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको हल्का सा भी हिलाता हूँ, थोड़ा सा देखिए मैं हिला रहा हूँ इसके, क्योंकि लूज डाटा केबल है, जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये चार्ज हो रहा है, फिर वापस हिलाते ही फिर से वापस वही हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चाहे तो आपकी लूज डाटा केबल प्रॉब्लम है या फिर स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम, तो वो दोनों प्रॉब्लम गाइस आपके एक ही ट्रिक से आपकी दोनों सॉल्व हो सकती है। कि चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या। लूज डाटा केबल प्रॉब्लम तो दिखा दी है कि अब चलिए मैं आपको स्लो चार्जिंग में दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने इधर एम्पेयर नाम की एक एप्लीकेशन यूज़ कर रखी है इसमें। तो गाइस देख सकते हैं हमारे जो 2 एम्पेयर का जो चार्जर होता है वो हमारे इधर दिखा कितना रहा है, स्पीड हमारे दिखा रहा है केवल 340। तो गाइस 2000 दिखानी चाहिए लेकिन ये दिखा रहा है हमारा 340, कम से कम 1000 तो होना चाहिए हमारे एक बढ़िया चार्जिंग के लिए। तो गाइस मतलब कि 340 दिखा रहे हैं, कई केसेस में तो आप अगर आप करेंगे तो शायद आपका ये 50-100 भी दिखा सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपके स्लो चार्जिंग है की। तो गाइस मैं चलिए आपको वो ट्रिक बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा अब। तो गाइस होता क्या है, देखिए हमारे पास ये जो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है गाइस, मैं इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा जो गैप है गाइस इसका बीच का, जिसके अंदर जो कि पिन्स होते हैं जो कि हमारे मोबाइल के पोर्ट में जाकर टच होती है, इसके बीच का जो गैप होता है ज़्यादा मोटा हो जाता है और जिस वजह से इसके पिन्स हमारे मोबाइल के पोर्ट पर टच नहीं हो पाती है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, देखिए देख रहे हैं कितने लूज है, क्योंकि हमारे जो गैप होता है उसके बीच का बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको बस सिंपली बस उस गैप को कम कर देना। वो हम कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से देखिए गाइस कितने आराम से इसके अंदर जो एक पिन होती है वो इसके गैप में जाकर इधर फिक्स हो जाती हैगी। तो गाइस अब हम करेंगे क्या, तो देखिए हमने एक सिंपली बस एक प्लास को ले रखा है, हम प्लायर को लेकर हम बस इसको एक नॉर्मली इसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा भी नहीं। गाइस इससे डरिएगा बिल्कुल भी मत कि कहीं आप ये सोच रहे कि मैं इसको करूँगा भाई मेरा नया चार्जर है तो वो ख़राब हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस इसको आप हल्के से आराम से दबाना, ज़्यादा आप इस पर प्रेशर मत देना, इसको बस हल्का सा ऐसे देखिए मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए हल्का सा ये गैप कम हो गया है, जूम करके दिखाता हूँ मैं, देखिए ये देख सकते हैं आप, ऐसे एक और बार बस मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ये कम हो जाए। ये मोबाइल के पोर्ट में या फिर हमारे इसे चार्जर में कुछ ख़राबी नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। मैं खुद इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ, जब भी मेरे चार्जर स्लो होने लगता है या फिर मेरा ऐसे पिन इसकी लूज़ हो जाती है तो मैं हमेशा इसको ऐसे प्लायर लेके इसको हल्का सा इसको प्रेस कर देता हूँ। तो गाइस चलिए मैं अब इसको लगा कर दिखाता हूँ, देखिए मैंने सीन कहीं पर भी कट नहीं कर रखा, कहीं आप कहेंगे कि भाई मैंने दूसरा कोई डाटा केबल यूज़ करा, तो देखिएगा इसे एकदम अच्छे से फिक्स हो गया है। तो देखिए इसको देखिए एकदम अच्छे से फिक्स हो गया है, हमारे देखिए फ़ोन हिल जा रहा है लेकिन हमारे डाटा केबल नहीं हिलेगी। और हम एक बार आपको स्पीड भी दिखा देते हैं, देखिए मेजरिंग हो रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा पर मैं सीन कट नहीं कर रहा, देखिए 940 है माय गॉड। वैसे देख सकते हैं आप इधर कितनी बढ़िया है, हमारे एम्पेयर की स्पीड दे रहा है, ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर की दे रहा है हमारा 2 एम्पेयर का चार्जर, क्योंकि गाइस 1 एम्पेयर का तो कम से कम इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हमारा थोड़ा ये पुराना चार्जर हैगा, इस चार्जर को हमारे 2-3 साल हो चुके हैं। तो गाइस ये 940 हमारा मतलब बहुत ही बढ़िया चार्ज दे रहा है, आराम से अभी 1 से 1.5 से 2 घंटे में मैक्सिमम ही हमारा फुल चार्ज हो जाएगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड गाइस अगर आप इस ट्रिक को अप्लाई करें तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ये कहीं पर भी आपके चार्जर पर नुकसान कुछ नहीं करेगा।
अगर गाइस इस ट्रिक को फॉलो करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक चार्जर अगर आपका ये गारंटी पीरियड में हैगा 6 महीने की या फिर 1 साल की जो भी गारंटी होती है, अगर आपको वो गारंटी पीरियड में हैगा तो प्लीज़ आप इस कोई सी भी इस पर ट्रिक अप्लाई ना करें, आप इसको सीधा सर्विस सेंटर में ले जाएँ और वहाँ से इसको ठीक करवाएं, फ्री में आपको उधर ठीक हो जाएगा, तो इधर आपको ये कुछ भी जुगाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस देखिए कितनी टाइटली ये निकल भी रहा है और कितनी टाइटली ये फिक्स भी हो रहा है। चलिए गाइस इसी के साथ में अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस शेयर जरूर कीजिएगा अपने बाकी फ्रेंड को, क्योंकि आई होप मुझे पक्का पता है कि उनका भी चार्जर ऐसे ही लो होता होगा, क्योंकि गाइस सभी के घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ट्रिक गाइस 100% आपके लिए यूजफुल रहेगी। गाइस बिल्कुल अच्छे से फुर्सत में एक काम को करना, ज़्यादा प्रेस को मत कर देना वरना ये आपके डाटा केबल खराब हो जाएगी। एंड लगभग ऐसा कर लेना, देखिए जैसे कि इसमें दिख रहा है, मैंने इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करा है। अब अगर आप इसको चार्जिंग पे लगा के आप वो जो एप्लीकेशन ने बताया था अगर आप उससे अब ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा आउटपुट देगा, अराउंड गाइस 1 एम्पीयर तक भी दे देना तो ये बहुत ही बढ़िया आपके आउटपुट दे रहा है, क्योंकि ये हमारा क्योंकि गाइस पुराना भी हो चुका है, इसको अराउंड 1 ईयर तक हो चुका है। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू रियली एंजॉय देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी एंड subscribe, Anglo Tech.